हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट वन है गणित का। तो देख रहे हैं कि ऐसे सवालों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हल किया जाता है और तब तक ट्रिक या आंसर नहीं लिखा जाता है जब तक कि पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए कि ये हमारा सवाल का ऑप्शन यही सही है। तो देखा जाए तो जो सवाल दिया है पहला, वो ये कहता है कि साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। तो ये देखें तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, फिर भी साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान हमको रखना हो तो साइन 45 का मान 1/2 होता है इसका वर्ग प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान लिखना है तो कॉस 45 अंश का मान 1/2 होता है इसका वर्ग, यानी कि 1/2 ये हो गया 2/2। पूर्णतः ये पहला ऑप्शन हमारा सही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होगा और यहाँ साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का जो मान होगा वो भी 1 होगा। दूसरा सवाल देखा जाए तो कह रहा है संख्या 7, 6, 1, 7, 6, 7 और 5 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के लिए देख रहे हैं पहले इसको क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ये हो गया 1, उसके बाद से जो अंक आएगा 5, उसके बाद 6 दो बार आया हुआ है और 7 देखते हैं तो 3 बार आया हुआ है। तो जब बहुलक कह रहा है तो बहुलक का मतलब यही होता है कि दिए गए आंकड़ों में जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है वही बहुलक होता है, तो यानी कि बहुलक हमारा क्या होगा 7, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन सही है। अब कह रहा है 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्या, धनात्मक और सम संख्या कह रहा है तो ये देखें तो ये होगा 2, 4, 6, 8 और 10, ये सम संख्या हो गया। अब समांतर माध्य लिखना है तो सबको जोड़ दिया जाए, ये समांतर माध्य होगा हमारा, सबको जोड़ दिया जाए और जितना संख्या है उसमें भाग दिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो संख्या होगी 30/5 ये मिलेगा 6, ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। अब शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या क्या होगी। तो परिमेय संख्या जिसका जो हर हो 2^m × 5^n के रूप में लिखा जा सके वही शांत दशमलव व्यक्त करता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 164 है तो 164 का गुणनखंड करेंगे तो 2^m × 5^n के रूप में नहीं आने वाला है। ये देख रहे हैं तो 6 × 5 = 30 होगा और 2 × 3 यानी कि ये 3 आ रहा है और 625 में देखें तो 5 × 5 × 5 × 25 × 25 × 125 × 5 = 625। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 2^0 × 5^4 ये इस रूप में व्यक्त हो गया तो ये शांत दशमलव होगा जिसका हर 2^m × 5^n के रूप में व्यक्त होगा वही शांत दशमलव संख्या होती है। अगला सवाल ये कह रहा है कि जब DE समांतर BC यानी कि DE समांतर BC तो ये मान दिया हुआ है तो यक्ष का मान पूछ रहा है तो जब समांतर होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा तो ये लिख दें इस त्रिभुज का तो ये लिख सकते हैं 2/4 = 3/x। अब यक्ष का मान चाहिए तो ये हो जाएगा x बराबर
तीन गुणे चार बटे दो यानी कि छः, ये हमारा ऑप्शन हो गया पहला। अब कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि 2πr = 44। अब व्यास पूछ रहा है, तो व्यास देखें, व्यास ये हो जाएगा 44 × 7/22, तो ये हो गया 22 × 44 और 2 × 7 का गुणा करेंगे 14, ये 14 सेंटीमीटर हो गया सेकंड। इस प्रकार सवाल को थोड़ा सा सावधानी से हल किया है जाए तो बोर्ड में अंकों की वृद्धि हो सकती है। प्रश्न संख्या 2 का पहला कार्य, द्विघात समीकरण x²+7x+10=0 को हल करें, तो ये हो गया, ये देखा जाए तो 1×10=10, इसको लिख सकते हैं 2×5, ये हो गया 10, और मिडिल टर्म को तोड़ दिया जाए तो 2×5=7। अब इसको हम हल कर सकते हैं, x²+2x+5x+10=0, ये 4 पदों में टूट गया, x कॉमन ले लिया जाए तो x+2 और यहाँ से +5 तो x+2=0। अब देखा जाए तो x+5 और x+2=0, तो x −5 और −2, ये हल हो जाता है। ख देखा जाए तो ख ये कहता है कि चित्र है एक ABC है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, आधार BC के समांतर समांतर PQ खींचा गया है, ये हो गया ABC और ये PQ खींचा गया है, तो ये कह रहा है PQ संबंधे BC 1:4, तो AP और PB का अनुपात, तो AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है हमको, तो ये देखा जाए AP और PB का यदि अनुपात हमको ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं जब PQ BC के समांतर है तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, ये जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC त्रिभुज APQ, तो संगत भुजाओं का अनुपात देखें तो ये मिलेगा AP/PB PQ/BC,
अब हमको ये पूरा चाहिए ए बी, ए पी बटे ए बी तो ये मिल जाएगा, पी क्यू बटे बी सी हमको मालूम है एक बटे चार, तो ये हो गया फोर ए पी, और ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ये हो जाएगा थ्री ए पी पी बी। अब क्या चाहिए, ए पी बटे चाहिए, तो ए पी इक्वल टू ये अनुपात मिल गया एक बटे तीन, यानी कि एक संबंधे तीन का ये अनुपात होगा। अब देखा जाए तो अगला सवाल क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में कास ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू। ये देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का होता है। अब C एंगल है तो ये हम लिख सकते हैं A प्लस बी बटे दो, ये हो जाएगा 180 माइनस ये भी बटे दो और C बाई टू, यानी कि 90 माइनस C बाई टू। अब दोनों तरफ कास है तो ये लिख लें, ये लिख सकते हैं कास A प्लस बी बाई टू क्या मिलेगा, कास 90 माइनस सी बाई टू। अब कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये हो गया साइन सी बाई टू, ये प्रूफ हो जाता है। ये देख रहे हैं कि 867 और 255 का मौसम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करना है, तो संख्या दिया है 867, ये बड़ा होगा 255 से, तब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको भाग देना पड़ेगा 255 से किस में देना पड़ेगा, 867 में। तो ये देखा जाए तो तीन दो छः तीन बार में कटेगा, तीन पचे पंद्रह, तीन पचे पंद्रह एक सोलह, और तीन दो छः एक सात, ये देखा जाए तो 17 हो गया, 17 यानी कि 17 की आवश्यकता नहीं है, सात में से पाँच जाएगा ये हो जाएगा दो, और जीरो यहाँ 102। अब 102 हो गया, अब 255 102 से भाग देना है, तो ये देखा जाए तो दो बार में कटेगा, दो दूना चार जीरो और दो, ये देखा जाए तो 151 हुआ। अब 51 से 102 में भाग देना है, तो ये भी देखा जाए तो दो बार कटेगा, इसका मतलब ये हमारा समाप्त हो जाता है टर्म। तो यहाँ लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। अब यहाँ लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। अब ये लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुणे 2 और ये रिमाइंडर 0 हो जाता है,
तो मौसो हमारा निकलेगा किसका, ये हो गया 51।